अगर आप बेदाग चमकते हुए चेहरा पाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, इसे जरूर देखिए। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एकदम मुलायम चेहरा, एकदम खुशनुमा चुहा चेहरा कैसे बने? बाजार से ना जाने कितने प्रोडक्ट ले आते हैं चेहरा साफ करने के लिए, नित नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। आपको पता है वो सब केमिकल से भरे हुए हैं। वो सब प्रोडक्ट साथ के साथ रिजल्ट तो दे देता है, लेकिन चार दिन बाद अपना चेहरा देखेंगे उतना नूर उस पर दिखाई नहीं देगा, जो चीज़ घर का सामान इस्तेमाल करने से दिखाई देती है। पुराने जमाने की लेडीज भी स्क्रब किया करती थी, वो भी फेस पैक लगाया करती थी, उनके चेहरे पर भी नूर हुआ करता था, चाहे वो कितने भी उम्र हो जाए। आज मैं आप लोगों के साथ फेस पैक कम स्क्रबर शेयर करने वाली हूँ। ये फेस पैक डलनेस रिमूव करता है, डेड सेल को रिमूव करता है, टैन रिमूव करता है, आपके स्किन को टाइट बनाते हैं, ब्राइटन बनाते हैं। सुंदरता का वरदान है मसूर की दाल। आपकी स्किन को कई ऐसी प्रॉब्लम हैं जिनको मसूर की दाल ठीक करने में सक्षम है। बस शर्त इतनी है कि आप इसका उपयोग सही प्रकार से करें। स्किन में पिंपल और ब्लैक हेड्स सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या है। इन समस्याओं से निपटने के लिए मसूर की दाल ऑल इन वन सॉल्यूशन है। मसूर की दाल चेहरे को डेड स्किन को हटाती है, जिससे चेहरे पर निखार आता है। मसूर की दाल आपको विटामिन सी के साथ साथ कई अन्य विटामिन और खनिज की उपलब्ध भी कराती है। यह चेहरे से गंदगी और निशानों को साफ करते हैं, जिससे पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। मसूर दाल को नेचुरल क्लींजर बोला जाए तो गलत नहीं हो। चलिए इस मसूर दाल से पैक बनाना शुरू करते हैं। पहले आप मसूर दाल को भिगो के रख दीजिए। आप अगर भिगोना नहीं चाहते हैं तो मसूर दाल को पहले से ड्राई पाउडर करके भी घर में आप रख सकते हैं। मैं ओवर नाइट भिगो दी थी, भिगोने के बाद उसको पीस ली हूँ। पीसने के बाद इसके अंदर मैं 2 चम्मच राइस पाउडर डालूंगी। राइस पाउडर स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, स्किन का डार्क स्पॉट रिमूव करता है, स्किन को टाइट करने में सहायता करता है और स्किन टोन को ब्राइट भी करता है। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच दही डालूंगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। अगर आप लोग नींबू का रस डालना नहीं चाहते हैं तो आप लोग टमाटर का जूस भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 चम्मच करीब रोज़ वाटर डालेंगे। डालने के बाद सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। ये अप्लाई करने के बाद आप इसको 30 मिनट्स छोड़ दीजिए। जैसे हाफ ड्राई हो जाए आप लोग इसको वाटर से क्लीन कर लीजिए। पूरा ड्राई नहीं कीजिएगा, पूरा ड्राई करने से फाइन लाइन पड़ने का चांसेस रहता है, इसलिए हाफ ड्राई हो जाए तो आप लोग वाटर से इसको क्लीन कर लीजिए। आप इसको वीकली 2 बार लगा सकते हैं। आप इसको जब धोएंगे तो मसाज करते हुए धोएंगे तो ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा। देखिए मेरा मुंह कितना क्लियर हो गया। इसे ज़रूर लगाइए, 100% रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा स्किन आपका होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।